130-135 जो हम लोगों का पूरा बैच था, हाँ। सिर्फ 40 से 50 बच्चे पास हुए हैं। पेनिस टेस्ट हुआ, टेस्टिस चेक हुए, सब हाँ। चेक होने के बाद वेट मेजर किया, हाँ। 4 से 5 बच्चे ऐसे थे हाँ। जो यूपी के थे, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया असम या सिक्किम के, डॉक्यूमेंट फर्जी बना करके सिलेक्शन ले लेंगे हाँ। तो बिल्कुल इस भूल में ना रहें। कान में आपके साफ निकल आए हैं तो जरूर रिमेडिकल दे रहे हैं। इसका आई कम्प्लीट है, उसका 90 से 80% मेडिकल फिट है। हाथ में कई कैरी एंगल का जो कि सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है बच्चों को कि कैरी एंगल में हो रहा है, तो आप फिजिकल के टाइम पे आपका वेट जो था तो उससे अगर आप डाउन हो रहा है तो वहाँ पे रिमार्क कर रहे हैं उस चीज़ को। जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के CRPF कैंप बंगरसिया में, तो कुछ भाई लोग जो मेडिकल देकर आए हैं तो उनसे जानते हैं कि कितने बच्चों को पास किया है और कितने को रीमेडिकल दे रहे हैं, यही सब जानकारी जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? हेमंत लोधी नाम है मेरा। सर आपका जो सर जो रिपोर्टिंग थी किस तारीख को थी बताइए। जैसा कि मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 22 तारीख को बुलाया गया था उन्होंने 6 बजे हाँ हाँ। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यहाँ पे एंट्री होती है हाँ हाँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुबह हम लोग का 7:15 बजे स्टार्ट हो गया था हाँ हाँ। सीएन नंबर देने के बाद, उसके बाद एक्सरे और एक्सरे के लिए और बायोमेट्रिक आधार कार्ड आइडेंटिफाई होता है, उसके हाँ बाद आप एक्सरे के लिए ले जाते हैं हाँ हाँ। तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में मेन आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, सेंट्रल और स्टेट सर्टिफिकेट, अगर किसी का सेंट्रल में कुछ मिसमैच है तो इसलिए स्टेट का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 5 फोटो जो कि एक आपको फॉर्म में अटैच करनी पड़ती है, एक फोटो आपको कमीशन कॉपी में लगानी पड़ती है, एक फॉर्म फोटो होती है, तो कुल हाँ। मिलाकर के आपको 7 फोटो साथ में ले जाना है। जी जी। उसके बाद 23 जुलाई को हॉलीडे रहा हाँ। तो हम लोगों को छुट्टी रही। 24 जुलाई को मॉर्निंग में हम लोग को 6:30 बजे बुलाया गया हाँ। हम लोग 6:30 में यहाँ पे प्रेजेंट हुए हाँ। 8:10 पे हम लोग कंपोजिट हॉस्पिटल जो कि CRPF के अंदर है वहाँ पे गए, वहाँ पे यूरिन टेस्ट हुआ जो कि हम लोग 8:54 पे हुआ, फिर ब्लड टेस्ट हुआ जो कि 32 CN नंबर 32 से हुआ, वो भी हम लोग का 9:10 पे हुआ। 23 तारीख को और कुछ प्रोसीजर नहीं हुई। उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद हम लोग को ब्लड यूरिन टेस्ट जैसे हुआ हाँ। तो सब लोग बैरिक में चले गए। कमीशन ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि सब लोग कपड़े पे अंडरवेयर पे सब लोग हो जाएं हाँ। उसके बाद MO1, MO2, MO3 और CMO हाँ। जो कि 4 डॉक्टर थे हाँ। तो 4 डॉक्टर के पास अलग अलग कैंडिडेट गए, तो 8-8 कैंडिडेट का एक एक ग्रुप बनाया गया। तो हम लोग का MO3 था जो कि मिस्टर ब्रजेश सर थे, तो उन्होंने MO मेडिकल ऑफिसर ने, तो फर्स्टली बैच में 8 कैंडिडेट थे जो कि हम लोग थे हाँ। सबसे पहले हम लोग के बैरिकोस बेंस चेक करने के लिए हम लोग को जंप कराया गया हाँ। उसके बाद हम लोग का बेड चेक कराया गया, फिर हम लोग के बॉडी पार्ट सीक्रेट पार्ट जिसमें कि हमारा पेनिस हुआ हाँ। है ना, बैक में पार्ट हुआ, सारे चेक किए गए हाँ। और वो खुद से कर रहे थे जी जी। वो आपने हाथ से नहीं कर रहे थे, वो कमांड कर रहे थे कि आपको हाँ। ऐसे ऐसे करना है, तो कमांड करते जा रहे थे, तो वो जैसा बोल रहे थे वैसा अपन को करते जाना था। पेनिस टेस्ट हुआ, टेस्टिस चेक हुए, सब हाँ। चेक होने के बाद वेट मेजर किया हाँ। जिसका बहुत से भाई पूछ रहे हैं अगर वजन हाइट के अनुसार नहीं है तो बाहर कर रहे हैं, ऐसा क्या है? नहीं, एक्चुअली सबसे पहले वो ये देख रहे हैं कि जब आपने फिजिकल दिया था तो आप फिजिकल के टाइम पे आपका वेट जो था तो उससे अगर आप डाउन हो रहा है तो वहाँ पे रिमार्क कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर ओवरवेट ज़्यादा है कि पता चला कि आपका 65 था और आप 70 एबव हैं तो वहाँ पे आपको मेडिकल के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। बाकी मोस्टली कम है थोड़ा, नहीं कम उनका ये है कि जैसे कि आपका 64 है हाँ। तो 1 से 2 किलो ऊपर नीचे हो सकता अच्छा, है, बट किसी का हाई है कि 70-75 प्लस हो गया। मैं 4 मतलब जो 4 किलो था उसका उनने लगाया है रीमेडिकल जी। 4 किलो सर क्या हुआ था? फिर उसके बाद उन्होंने कमांड किया, सबसे पहले हाथ चेक किया, हाथ में कई कैरी एंगल का जो कि सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है बच्चों को कि कैरी एंगल में हो रहा है, तो वो आपको बच्चों को खड़ा कर देते हैं। तो बच्चों को खड़ा करने के बाद वो नॉर्मली सबसे पहले देखते हैं सबको, एक्चुअली क्या वो डॉक्टर एक्सपीरियंस है तो वो देख के पता चल जाता है उनको कि बच्चा कैसा है। जिसको लगता है कि इसको कैरी एंगल हाथ जैसे सामने कराते हैं तो उसका बाकायदा मेजर करते हैं, एंगल देखते हैं, अगर वहाँ पर एंगल निकलता है तो उस चीज़ को पुट करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो वहाँ पर आपको कॉपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको रीमेडिकल के लिए बोल दें कि आपको इसमें पॉइंट मिला है, वो आपको कॉपरेट करते हैं हाँ। और बच्चों को ये तो पता बिल्कुल भी नहीं चल पाता है कि उनको मेडिकल में रीमेडिकल में ना है कि फिट हो रहे हैं हाँ। फिर उसके बाद आई चेक हुई, सबसे इंपॉर्टेंट SSC GD का जितना मेरा एक्सपीरियंस है हाँ। मैं मानता हूँ जिसका आई हाँ। कंप्लीट है हाँ। उसका 90 से 80% मेडिकल फिट है, क्योंकि आई चार्ट तरीके से चेक होती है। सबसे पहले आपको आई चार्ट पढ़ाया जाता है जो कि इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। देन उसके बाद आपको कलर विजन चेक कराया जाता है, कलर ब्राइटनेस चेक कराई जाती है। एक 5x8 का चार्ट होता है जो कि एकदम सबसे छोटे वाले अक्षरों में होता है, वो आपको 30 से 40 से 50 सेंटीमीटर दो तरीके से, हिंदी में भी रहता है इंग्लिश में भी, मेन वो हिंदी का रहता है, वो आपको पढ़ाया जाता है। तो आई सबसे मेन है, अगर वो आपकी चेक नहीं होती, कई बार जैसे किसी बच्चों को लेफ्ट आईज में आईज में प्रॉब्लम रहती है ना, तो बार बार चेक करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर को पहले से पता होता है कि तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ में। सर बहुत से भाई से कमेंट कर रहे हैं सर, जिनकी आप 6x6 उनको ले रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं मेडिकल दे रहे हैं? नहीं नहीं, 6x6 एकदम परफेक्ट है, वो आप आर्मी के लिए भी एलिजिबल बनाती है। किसी का जैसे 6x9 6x12 है, वो डॉक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको डॉक्टर कैसा मिलता है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, किस अप्रोच के साथ वो आया है। आप ये नहीं कह सकते
कि मैं मेरा 6x6x9x12 तो मैं फिट अनफिट हूँ। डॉक्टर का माइंड कंसेप्ट कैसा है, बुक किस तरीके से आया है और चेक किस तरीके से हो रहा है? और सबसे मैं मानता हूँ हमारे ग्रुप में एक लड़का था जिसके कम से कम 7 अक्षर उससे पछवाए गए इंग्लिश के, जिसमें से उस पर 3 गलत हुए और उसको रीमेडिकल मिला है जी। कब बुलाया, कितना टाइम दिया रीमेडिकल में, कितना टाइम दिया? नहीं निकले हैं उनकी जानकारी, फिट वाले जो हुए हैं उनको बाहर निकाल दिया है, अनफिट वाले अभी बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद सर क्या हो रहा है? इसके बाद बीपी नापा, जो कि जो मरकरी वाला प्रेशर मशीन रहती है जो नॉर्मली अपन घर में यूज़ करते हैं, उसका यूज़ भी इसलिए किया, मैंने सर से भी पूछा था कि सर क्लिनिकल और भी थर्मामीटर होते हैं उनसे आप क्यों नहीं मापते बीपी इन चीज़ों का, तो उन्होंने एक ही बात बताया कि जो मरकरी वाला जो रहता है स्टेथोस्कोप और भी हैं तो उनका हार्ट की धड़कन के लिए, मरकरी वाले से उन्होंने बोला कि एक्यूरेसी परफेक्ट आती है, क्लिनिकल वाले में एक्यूरेसी नहीं आती है, कई बार आप नॉर्मली टेम्परेचर पर भी देखते हैं तो वो आपको एक्यूरेसी नहीं देता है। उसके बाद नॉकनी फ्लैट फुट चेक किए गए, तो कुल मिला के बॉडी पार्ट सारे चेक हो रहे हैं, डॉक्टर पे डिपेंड करता है, कई बार वो दांत को देखता है नहीं देखता, जैसे दांत मेरे दांत उन्होंने बाकायदा एक एक करके काउंट किए थे, पूरा दांत को काउंट किया उन्होंने, अगर कोई प्रॉब्लम थी उन्होंने बताया भी, और अगर आप दांत साफ करवा के कान साफ करवा के आ रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि वो में अगर उनके बिल्कुल भी कचरा दिख रहा है, पीलापन आ रहा है तो रीमेडिकल दे रहे हैं या कान में? नहीं नहीं, ये और अगर वो कान में आपके साफ नहीं कराए हैं तो जरूर रीमेडिकल दे रहे हैं, वो चेक ही नहीं कर रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि गंदगी है और डायरेक्ट रीमेडिकल दे रहे हैं। और सर इसके बाद, इसके बाद नॉर्मली हुआ ना, इसके बाद जैसे कि अभी MO1 MO3 और MO2 में ये चल रहा था कि डॉक्टर आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का, जब आपकी प्रेजेंट लगाते हैं वो अटेंडेंस के लिए, आपको जब आपका कंप्लीट हो चुका होता है फिर वो नेम के साथ आपको बुलाते हैं, तब उनका ऐसा रहता है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड, आप स्पिरिचुअल हैं आपसे उससे रिलेटेड, आपका जो भी इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड, पॉलिटिकल है फिल्मी है, तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चन करते हैं। जनरली तौर पर वो आपकी प्रेजेंस के लिए बुलाते हैं, बट तब भी कई चीज़ें आपको सावधानी रखनी कि उनके सामने और सीधा सा है, डॉक्टर जितना बोले, डॉक्टर ने अगर बोला है कि A4 Apple तो A4 Apple मानना, ये नहीं कि A4 Aeroplane भी होता है, सिंपल सा है, डॉक्टर जितनी कमांड कर रहा है आप उनके ऑर्डर को मानेंगे, आप उनको कोऑपरेट करेंगे वो आपको कोऑपरेट करेंगे, बस वहाँ पे पेशेंस बनाए रखिए। मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ दांत और कान आप साफ करवा के आएँ, आँख में कोई प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से उसका ध्यान रखें, और बच्चे यहाँ टाइम से आएँ, मेडिकल बड़ा अच्छा हो रहा है, डॉक्टर ऐसा भी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा टफ कर रहे हैं, अगर आप सही हैं, अगर आपके सारे पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आप अनफिट नहीं होंगे, बट वहाँ पे हेजिटेशन नहीं दिखाना है बीपी के, स्पेशली बीपी के टाइम पे, क्योंकि बीपी का ऐसा है कि हर कंडीशन में चेंज होता रहता है, तो बीपी के लिए आपको कंट्रोल रखना है, खुद पे पेशेंस रखना है, और बड़ा अच्छा यहाँ पे सारे जो भी CRPF के सोल्जर्स हैं, जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट है, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है इन लोगों का, खाने के लिए आपकी व्यवस्था है, बट ये कि वो तरीके खाना नहीं मिल पा रहा आपको, अच्छे टाइम से आए, डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के आए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आज निकल के आई, 4 से 5 बच्चे ऐसे थे जो यूपी के थे, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया असम या सिक्किम के, क्योंकि वहाँ का कट ऑफ कम जाता है, तो मैं सिंपल सा कहूँगा अगर कोई बच्चा है, चेतावनी देता हूँ, अगर कोई बच्चा है जीवन कैरियर को बचाना है, क्योंकि उन लोगों को मारा अलग से है, जेल अलग भेजा है, कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, अगर कोई सोचे कि हम ओवर स्मार्ट बन करके डॉक्यूमेंट फर्जी बना करके सिलेक्शन ले लेंगे, तो बिल्कुल इस भूल में ना रहें, अपने स्वयं के जो भी डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल हैं और आप इसमें सत्यता बनाए रखें तो वो आपके साथ अच्छा भी व्यवहार करेंगे, अन्यथा ये मान के चलिए कि इतना मारा है वो उनकी 7 पुस्तें याद रखेंगे। और डॉक्टरों का भी कहना ये है कि आप जो भी काम है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको बचा के रखें, पेशेंस बनाए रखें, अच्छे से मेडिकल आप अच्छे से कोऑपरेट करेंगे वो आपको कोऑपरेट करेंगे। मतलब सर रोहित भाई आप भी बताइए सर, आपकी टोटल बैच कितने बच्चों का बना था? बैच तो हम लोग 4 गए थे, जब 22 तारीख को गए थे साथ में, तब कितने लोग थे? ऐसे नहीं, आधे आधे लोगों कर दिया था, 50-50 लोगों कर दिया था। आज 100 में से मतलब टोटल कितने बच्चों जो एकदम फिट हुए हैं? लगभग 40 के समथिंग फिट कर दिए, 60 को बैठा के रखा है। हाँ अभी बैठा के रखा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या बताओगे? मेरे तो वजन में उन्होंने बोला था कि क्योंकि फिजिकल के टाइम पे मेरा 62 किलो था और अभी जैसे 68 निकला, तो उन्होंने बोला था वजन क्यों बढ़ा रहा है, और बाकी मेरा बीपी भी हाई निकला तो 4 बन नापा उन्होंने, वहीं पर बैठा के रखी, सुला के रखी, बाहर घुमाया और 4 बन नापा उन्होंने, फिर पास कर दिए। सर आज किसी को DNS में प्रॉब्लम आई जो नाक में ज़्यादातर आ रही थी? अभी तो वहाँ बैठा के रखे हैं, उनको बता रहे होंगे, बाकी जो पास है उनको बाहर भेज दिया है। जिनका आगे मेडिकल है उन्हें कुछ बताना चाहो अपनी तरफ से? बाकी ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार रखें और सेंट्रल वाला मुन्नेवासी नाम डेट वगैरह, पापा का नाम वगैरह, कास्ट वगैरह सब सही होनी चाहिए, स्पेलिंग अच्छे से चेक कर रहे हैं, और एक बार और चेक करने का बोला है कि आप लोगों को तो बोल दिया वहाँ कि एक बार और चेक करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम होगी तो कॉल करेंगे वो, और आना पड़ेगा। सर आप कुछ बताना चाहो? सर वो सब होने के बावजूद भी अगर अपन घबरा रहे हैं तो बीपी में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है अपन को, बीपी में भी मिल रहा है? बिल्कुल बीपी में मिल रहा है, तो उसका सिंपल सा फंडा है, आपको जब बीपी के लिए, वो जनरली तौर पे प्रोसीजर कंटिन्यू चलती है, आप खुद को शांत रखें,
बस आप जितना ध्यान खुद पे देंगे, शांत रखना है तो बीपी आपका नॉर्मल आएगा। अन्यथा बीपी का तो ऐसा आप 5 मिनट पहले कुछ है, अभी कुछ और रहेगा, बस खुद को वहाँ पे पेशेंस बना के रखा। साथ वाला था उसका पहले एक बार बीपी नापा 160 करीब पहुँचा, हमने दोबारा नापा 162 पहुँच गया, उसको पॉइंट देके बाहर कर दिया। सर जैसा टेंटू में भी किसी को रीमेडिकल दे रहे हैं? जी टेंटू में दिया है, एक रीमेडिकल मेरे साथ था, उसको भी बैठा के रखे हैं, टेंटू में ही बैठा के रखे हैं, उसका टेंटू स्किल्स नापा, नाप करने लिख लिया था, नोट कर लिया। जैसा कि भाई बताए, कल एक भाई था उनका बता रहे थे अगर आपका जो राइट हैंड में है टेटू तो रीमेडिकल है, अगर आपका जो सल्यूट हैंड नहीं है उसमें नहीं तो चल जाता है क्या? आज ऐसा हुआ? पॉइंट हर एक चीज़ का देख रहे हैं। मैंने क्या बोला, डॉक्टर आपको ऊपर से नीचे तक एकदम छान रहा है, अगर कोई ये मान के चले ना। और इस बार क्या पीएससी के और भी जो भी एग्जाम उठा के देख लो, इस बार जो मेडिकल हो रहा बाकायदा बहुत केयरफुली कर रहे हैं चेक। तो टैटू ये चीज़ें हुई हैं, कई बार ऐसा रहता है कोई मिटा के आ जाता है, मैन कर रहा है डॉक्टर पे। मैंने क्या बोला, सारे डॉक्टर का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, उनका क्या अप्रोच है कोई कुछ नहीं कह सकता, उनके अकॉर्डिंग सब चीज़ हो रही है। अगर कोई ये बोले ना कि मेरा टैटू चेक नहीं किया है, मेरा टैटू में मुझे पास कर दिया है, उस डॉक्टर ने चेक नहीं किया, किसी की नाक नहीं किसी की दांत, तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। आप डॉक्टर आपको कैसे कॉन्सेप्ट दे रहा है, डॉक्टर आपको कैसे चेकअप कर रहा है, दे रहे हैं पॉइंट टैटू में भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर टैटू किसी ने साफ भी करवा लिया उसमें जाना घाव है तो उसका भी पॉइंट दिया है अभी एक लोग, क्योंकि एक साथ में गया था री मेडिकल वाला, वहीं बैठा था, उसका पूरा कुछ भी दिख नहीं रहा था लेकिन उसका घाव था, तो उसको उन्होंने लिख दिया घाव आ गया और उसको पॉइंट दिया है और री मेडिकल के बोला। कहते 100 में से 30-40 ही आज फिट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं? उनका ये रेशियो रहा कि 17 से 18, वो कन्फर्मेशन तो नहीं लेकिन 70 से 80 लड़कियाँ हैं, 35 से 40 कुल मिला के 40 से 50, 130-135 जो हम लोग का पूरा बैच था, सिर्फ 40 से 50 बच्चे पास हुए हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों मिला के, दोनों मिला कर। सर जिनका आगे है उन्हें कुछ बताना चाहो? मैंने बोला कि बस आप डॉक्यूमेंट का, मैंने 4 डॉक्यूमेंट बताया ना, इन 4 के अलावा आप 5वां उनको दिखाएं भी ना, क्योंकि अगर वो वहाँ पे चटके, क्योंकि इम्प्रेशन आपका अगर गलत गया, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, आपको आधार कार्ड सबसे मेन, उसमें आप अपनी फ़ोटो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपके पापा जी का नाम जैसा 10th में लिखा है, तो आपका आधार कार्ड हुआ, 10th की मार्कशीट हुई और ओरिजिनल लाना है, सेंट्रल सर्टिफिकेट स्टेट का इसलिए लाना है कि कई लोगों का ऐसा रहता है कि जैसे आपका एड्रेस है तो कई बार एड्रेस में आपके तहसील में आपके गांव में कई बार खेड़ा खेड़ी इस तरीके के जो करेक्शंस होते हैं ना, तो उसके लिए आपको स्टेट का भी लाना, मैंने सेंट्रल का है, सेंट्रल का आप लाइए, सेंट्रल का एलिजिबल रहेगा, आपको एंट्री दी जाएगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आप 7 से 8 फोटो लेके आएँ, क्योंकि 5 आपकी अटैच होंगी, एक आपकी कमीशन कॉपी में लगेगी और एक आपकी जो फॉर्म भरेंगे सबमिशन फॉर्म उसमें लगेगी, तो डॉक्यूमेंट ही रहे और सिंपल साहब बस, अब अपने टाइम से आएँ, पेशेंस बनाए रखें, भगवान सब अच्छा करेंगे। सर थोड़ा प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो लोग आ रहे हैं थोड़ी लंबी तैयारी करके आएँ। नहीं नहीं बिल्कुल, बच्चों से मैं ये कहूँगा क्योंकि 4-5 दिन का टाइम, 2 दिन का बजट बना के आ रहे हैं, 22 को स्टार्ट हुआ था, आज 26 को रिजल्ट आया है, लेकिन समस्या आ रही है जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहने का है खाने का बहुत कॉस्टली हो रहा है यहाँ पे, तो 4-5 रही है, जैसे नींद पूरी नहीं हो रही, आँखों में दिक्कत आ रही है, आज सुबह अगर आँखें लाल हो रही हैं, चश्मा लगाए कई लोग, ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।